संगीत सोम और अनुराग ठाकुर के बयान पर शिवपाल यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के नेताओं को किसी भी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। वो लखनऊ में R9 टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह का बयान संगीत सोम ने दिया है? साफ तौर पर उन्होंने गोली मारने की बात करी है। सर, देखिए, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार होता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर तो हिटलर शाही, तानाशाह लोकतंत्र में जिसके हाथ में सत्ता होगी तो हो जाएंगे। तो वो इसी तरीके से जो हिटलर शाही चलाना चाहते हैं। सर, इसके पहले अनुराग ठाकुर भी सर गोली मारने की बात कह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे ऐसे मंत्रियों की? सर, लगता है कहीं ना कहीं से समाज में किस तरह का एक मैसेज जा रहा है? सर, तो देखिए, ये लोकतंत्र में इस तरीके के जो भी अगर पदाधिकारी हैं तो ये कलंकित लोकतंत्र को कर रहे हैं। तो इन्हें फिर किसी भी पार्टी में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। युवक द्वारा सर जामिया के छात्रों पर भी गोली चलाई, किस तरह से देखते हैं? सर, क्या कहना? तो इन सब लोगों को इस तरीके का अगर कोई बयान देता है तो इनके खिलाफ FIR हो करके ने जेल में डालना चाहिए। शुक्रिया सर। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि इस तरह की जो भी बयानबाजी करते हैं उनको साफ तौर से जेल में डालना चाहिए और ऐसे बयानों की साफ तौर से मैं कड़ी निंदा करता हूं। संदीप खेर, कैमरा पर्सन आशीष के साथ R9 TV लखनऊ।